दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय मून इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल मॉड पीके यूनिवर्सिटी शिवपुरी एंड को स्पॉन्सर्ड बाय ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज मऊरा एंड श्याम राघवेंद्र कॉलेज दवाकर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर। सर, मेरा नाम वीर सिंह है, ग्राम कुआ गांव का निवासी हूँ। सर, अभी दो दिन पूर्व जो मेरा लड़का आज वर्तमान में ग्राम प्रधान है, तो वो अपना जो आज हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा है उनके मुताबिक स्कूलों का काम करवा रहा था, उस पर जो है एक बानपुर से सीपी राजा नाम से जो पुराने प्रधान कुगा गांव कंठ प्रताप के बुलावे पर पहुंचे और छत पर चढ़ करके बुरी बुरी गालियां दे करके उनको कहा कि हमारा पहले काम बंद कर, जो हमको आदमी है और क्या कार्य करता है, ये जो है मतलब गिरे तबके के लोगों को धमकी देते हैं और पैसे की हमको पैसा दीजिए तब काम करिए आप आगे। तो क्या रंगदारी दिखाता है? हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपने शिकायत की? हमने जो है आकर के थाना अध्यक्ष बानपुर के सामने, क्या कोई ऑडियो भी इसका वायरल हुआ है? हाँ, हमारे पास उनका हमने जो है रिकॉर्डिंग तैयार की और वो जो हमने आकर थाना अध्यक्ष महोदय को सुनाया। क्या कहता है, आप अपने आप को किसी नेता से जोड़ता है, मध्य प्रदेश के कोई मंत्री? उनका ये कहना है कि हमारे एक रिश्तेदार मंत्री जी हैं, तो हम जो है हमें बानपुर में कोई ऐसा नहीं है मतलब के जो हमको सीपी राजा को किसी जगह दबोच दे। उन्होंने वहीं पर खड़े होकर के यहाँ किसी पुलिसकर्मी को भी उन्होंने फ़ोन लगाया कि मैं बानपुर में एक प्रधान लेखपाल को इनको सब समझाने जा रहा हूँ। जिस प्रकार से वो धमकी दे रहा है, इससे पहले मैंने गाड़ी चढ़ाई थी किसी पर, तो ये क्या है? उन्होंने कहा ये जो है उन्होंने कहा कि पुराना जो प्रधान कृष्ण प्रताप कुआ गांव से है, वो उनका कहना है कि हमारा दोस्त है और इन्होंने पहले जगदीश पर जीप चढ़ाई थी, इस प्रकार से हम तुम पर भी जीप चढ़ा देंगे। तो आप क्या बीत रही है और क्या चाहते हैं? अब हमारे दो दिन तीन दिन से हमारे लिए उसका कोई जो है मतलब उसका सही निर्णय नहीं मिल पा रहा है। शिकायत की है थाने में? उसी दिन हमने रात्रि में आके जिस दिन हमने उसका जो है रिकॉर्डिंग सुनवाया उसी दिन हमने खेत में रिपोर्ट की, लेकिन वो अभी तक दर्ज नहीं की गई। अब आप क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और उनको कानूनी हिसाब से उनको कार्रवाई की जाए ताकि हम निर्भीकता से अपने गांव का काम कर सकें। यदि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम प्रधान संघ में जो है अपनी बात रखेंगे। आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? हम अपने परिवार को लेकर के योगीनाथ बाबा जी के दरबार में हाजिर होंगे।